हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपने कल लेसन स्टार्ट किया था सेल एंड बैटरी, आज अपने उसमें उसी लेसन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज अपने पढ़ेंगे कि सेल के टाइप, सेल कितने टाइप के होते हैं। तो सेल के जो टाइप होते हैं, सेल के प्रकार, सेल के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं कि मुख्य दो प्रकार का होता है। सेल मुख्यतः दो प्रकार का, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल। द्वितीयक सेल, तो इसमें क्या होता है कि सेल मेनली दो टाइप का होता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो इसमें क्या होता है, जैसे प्राइमरी सेल है, उस ये प्राइमरी सेल भी क्या है, कई टाइप का होता है, जैसे शुष्क सेल, शुष्क सेल, और उसमें आ जाएगा वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल, और इसमें शुष्क सेल, वोल्टिक सेल, मर्करी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, और इसमें आ जाएगा लैंकलांची सेल, लैंकलांची सेल। तो इस टाइप से, इस तरह से क्या होता है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में जैसे शुष्क सेल हो गया, वोल्टिक सेल हो गया, मर्करी सेल हो गया, सिल्वर ऑक्साइड सेल हो गया, और लैंकलांची सेल हो गया। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि प्राथमिक सेल को स्टडी करेंगे, सबसे पहले किसको स्टडी करेंगे, प्राथमिक सेल को। उसके बाद क्या करेंगे, द्वितीयक सेल को। प्राथमिक सेल को अपने स्टडी करने के बाद सबसे पहले ये देखेंगे कि प्राथमिक सेल होता क्या है, पहली बात। सेकंड, कि जितने भी ये सेल हैं उन सब के बारे में अपने एक एक करके स्टडी करेंगे, सभी सेल के बारे में अपने जानेंगे कि उनकी प्रोसेस क्या होती है, उनमें जो टर्मिनल यूज़ होते हैं वो किसके बने होते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो अपने विलयन यूज़ करते हैं वो किस चीज़ का बना होता है, ये सारी जानकारी अपने इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि प्राथमिक सेल, सबसे पहले प्राथमिक सेल, सबसे पहले एक नंबर प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेल कौन सा होता है कि जिस सेल में रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं अपने, प्राइमरी सेल। जिस सेल में रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल विकसित होता है, उसे अपने क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। अब बात आती है कि इसमें जो अपने अलग अलग सेल के टाइप पड़े थे कि कितने सेल होते हैं, जैसे वोल्टिक सेल था और अपना मर्करी सेल था, शुष्क सेल था, तो प्राथमिक सेल की परिभाषा अपनों ने देखी। अब इसमें प्राथमिक सेल का टाइप पहला होता है वोल्टिक सेल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपने, वोल्टिक सेल। तो वोल्टिक सेल सबसे पहले जो अपना टाइप पढ़ेंगे, अपने प्राथमिक सेल के अंदर जो पहला टाइप आता है कि वोल्टिक सेल। तो वोल्टिक सेल क्या होता है कि किसी भी, जैसे कोई भी सेल है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो वो बनने से पहले साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट उस पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने के बाद एक वैज्ञानिक था वोल्टा नाम का, क्या नाम था उसका, वोल्टा। एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने
इस रिसर्च करके रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की, और ये प्राप्त जो सफलता थी ये कब प्राप्त की उसने, 1800 ईस्वी में, सन 1800 में। इसी विज्ञानी के नाम पे इसका सेल का नाम क्या पड़ गया, ये क्या था, वोल्टा वैज्ञानिक। इसी वैज्ञानिक के नाम पे सेल का क्या नाम पड़ गया, वोल्टिक सेल। इसी वैज्ञानिक के नाम पे इसका नाम, क्योंकि खोज इसने की थी तो इसी के नाम पे इसका नाम जो सेल है उसका नामकरण भी अब क्या कर दिया, वोल्टिक सेल। अब अपन देखते हैं कि इसका थोड़ा सा सर्किट डायग्राम, कि ये सर्किट डायग्राम किस टाइप का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में सबसे मेन है सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले क्या लेते हैं अपने, इस सेल में एक कांच का पात्र लेते हैं, पहले एक कांच का क्या लेते हैं, पात्र। उसमें अपने दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, दो क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, और इसमें क्या भरते हैं अपने, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सभी सेल में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। तो ये क्या है कि एक कांच के पात्र में अपने दो इलेक्ट्रोड रख दिए, और इन कांच के पात्र में इलेक्ट्रोड रखने के बाद अपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या होता है, H2SO4, जिसको अपने बोलते हैं कि तनु गंधक अम्ल, तनु गंधक अम्ल। अब ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव, या इसको आप मान लो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कि सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं हमेशा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसमें अपने विलयन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या फिल किया, H2SO फिल करने के बाद जो पॉजिटिव जो अपना रहता है वो रहता है तांबे का, तांबे का इलेक्ट्रोड क्या रहता है, तांबे का इलेक्ट्रोड। कि सबसे पहले अपने विलयन फिल किया, विलयन फिल करने के बाद जो विलयन इसमें भर दिया, अब क्या है इसमें जो पॉजिटिव होएगा वो क्या होगा, तांबे का। ठीक उसी तरह जो अपना नेगेटिव है वो क्या होएगा, जस्ते का, जस्ते का, जस्ते का इलेक्ट्रोड, क्या होगा, जस्ते का इलेक्ट्रोड। अब पॉजिटिव को क्या बोलते हैं अपने, एनोड, क्या बोलते हैं, एनोड। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कैथोड। अब जैसे ही H2SO4 अपने इसमें फिल किया और दो इलेक्ट्रोड रखे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसको अपने एनोड और कैथोड बोलते हैं। तांबे का जो होता है एनोड वो किसका बना होता है, तांबे का, और जो कैथोड है वो किसका बना होता है, जस्ते का। अब ये इलेक्ट्रोड रखने के बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अपने, तो ये जो H2SO4 है, ये H2SO4 किस में बदल जाता है, क्योंकि अपने रासायनिक प्रभाव सेल का पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो सल्फ्यूरिक, जो भी अम्ल अपने यूज़ करते हैं या जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो क्या होता है कि अपने अणुओं में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, अपने अणुओं में। तो ये H2SO4 है ये किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा कि 2H+SO4-2, H2 और SO4-2। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या अपने इन अणुओं में टूट जाता है, इन अणुओं में टूट जाता है।
उसके टूटने के बाद इसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का जो डायरेक्शन रहती है जो फ्लो की, वो कुछ इस टाइप की रहती है। किस टाइप की रहती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। और ये क्या है अपना लैंप, तो ये क्या है अपना लैंप, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक उसी टाइप अब एक चीज जो मेन है वो है कि सेल के बाहर धारा, सेल के बाहर धारा और सेल के अंदर धारा, इन दोनों में जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है। ये दोनों में क्या होता है? जस्ट अपोजिट। सेल के बाहर धारा, सेल के बाहर मतलब कि लोड पे अपने कैसे धारा देख जो जाती है उनका डायरेक्शन क्या रहती है अपने पास? पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब कि ये कैसे चलेगी? प्लस से माइनस। लेकिन सेल के अंदर धारा अंदर कैसे चलेगी? जस्ट इसकी अपोजिट चलेगी, माइनस से प्लस चलेगी। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सेल के बाहर धारा कैसे चलती है? प्लस से माइनस। और सेल के अंदर धारा कैसे चलती है? माइनस से प्लस। तो अब ये तो था इसका प्रोसेस कि इलेक्ट्रोलाइट फिल किया, इलेक्ट्रोड रखे, विद्युत धारा प्रवाहित हुई। अब इसमें क्या होता है कि ये तो इसकी वर्किंग होगी सेल की। अब इस वर्किंग के अलावा इसमें कुछ ना कुछ दोष आ जाते हैं, जैसे सेल में क्या होते हैं? दोष आ जाते हैं। अब वो दोष कौन कौन से हैं वो अपने देख लेते हैं। इसमें जो अपने दोष आएंगे वो क्या आएंगे कि जैसे ये सेल था, इसमें ये इलेक्ट्रोड ये क्या है? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या है? इसमें विलयन भरा हुआ है। तो इसमें दोष क्या आता है कि इसमें पहला जो इसमें दोष आएंगे, दोष इसमें दोष पहला आता है जिसको अपने कहते हैं स्थानीय क्रिया। इस स्थानीय क्रिया में क्या होता है कि जो अपने स्थानीय क्रिया जो दोष हैं, ये दोष क्या होता है कि सेल में दो इलेक्ट्रोड हैं, सेल का जो माइनस इलेक्ट्रोड है जस्ते का, उस जस्ते के ऊपर क्या है कि छोटे छोटे होल बन जाते हैं, छोटे छोटे खड्डे बढ़ जाते हैं। उन खड्डों के कारण उस जस्ते की प्लेट पे जो है वो छोटे छोटे सेलों का निर्माण हो जाता है। जो अपना इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, जो ये जस्ते का, ये जो जस्ते का बना होता है, इस जस्ते में क्या होता है कि अशुद्धियाँ मिली होती है। उन अशुद्धियों के कारण इस पे क्या है, छोटे छोटे सेलों का निर्माण हो जाता है। उसी सेलों का निर्माण हो जाता है जिसके कारण इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है और इसकी वोल्टेज घट जाती है। इसी दोष को अपने क्या कहते हैं? स्थानीय क्रिया। अब दोष तो ये आ गया, लेकिन इसका निवारण कैसे करेंगे? तो इसके निवारण के लिए अपने क्या करते हैं कि इसके ऊपर पारे की परत चढ़ा देते हैं। इस जस्ते पर किसकी परत चढ़ाएंगे? पारे की। पारे की क्या करते हैं? परत चढ़ा देते हैं। तो परत चढ़ाने से क्या होएगा कि ये जो दोष है वो लगभग कम हो जाएगा। अब सेकंड दोष आता है कि ध्रुवा छेदन क्या होता है कि जो अपना तांबे का इलेक्ट्रोड है, ये तांबे का इलेक्ट्रोड है, इस पे क्या होता है कि इस विलयन की रासायनिक क्रिया के कारण हाइड्रोजन के बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं? चारों ओर इसके हाइड्रोजन के बुलबुले, ये क्या हैं? हाइड्रोजन के बुलबुले, हाइड्रोजन के बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो अपना तांबे का इलेक्ट्रोड है ये एक अचालक की तरह व्यवहार करता है, एक अचालक की तरह व्यवहार करता है। तो ये क्या होता है अपना दोष? ध्रुवा छेदन। और इसमें क्या होता है, इसके निवारण के लिए क्या करेंगे अपने? दोष ये आ गया असल में, लेकिन निवारण भी तो करना है इसका। अब निवारण के लिए इसका क्या करेंगे कि इसके अंदर इस विलयन में मैग्नीज डाइऑक्साइड
MnO2, इसमें क्या करते हैं अपने 2MnO, मैग्नीज, ये आप याद रखना, मैग्नीज डाइऑक्साइड 2MnO2, या फिर इसको डायरेक्ट याद रख लो आप MnO2। तो ये इसका क्या करते हैं कि चूर्ण, इसका क्या मिलाएंगे, चूर्ण इस विलयन में मिलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब ये चूर्ण मिलाते हैं अपने, तो चूर्ण मिलाने से क्या होगा कि इसमें जो ये हवा के बुलबुले हैं या ये जो हाइड्रोजन के बुलबुले हैं, ये क्या करते हैं कि MnO2 इसके साथ क्रिया करके इन हाइड्रोजन गैस को तुरंत क्या करता है, H2O में बदल देता है, H2O में बदल देता है। और आप सभी को पता है कि H2O क्या होता है, ये जल होता है, क्या होता है, जल होता है। जब ये H2O में बदल देगा, जल में बदल देगा, तो ये बुलबुले क्या है अपने, वापस जल बन जाएंगे, और जल बन के किस में है, इस विलयन में ही मिल जाते हैं। तो इस कारण अपना जो ये दोष है, ये दोष भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो अपना वोल्टिक सेल था, ये क्या है, इस वोल्टिक सेल में इसकी कार्य प्रणाली थी, इसके दोष थे, उन दोष का निवारण था, तो ये सारी चीज़ें थी। तो अपने नेक्स्ट क्लास में, अगली जो क्लास होगी अपनी, उसमें अपने क्या पढ़ेंगे, इसके और पार्ट्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था, थैंक यू।